गाइज, अगर आपने एक गेमिंग स्मार्टफोन लेना है तो उसके लिए दोस्तों यार आपने बहुत सारे फोन्स को दोस्तों बाय कर लिया, आपने यूज भी कर लिया, बट दोस्तों आपको और ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह एसूस कंपनी दोस्तों अब फिर से आ गई अपने नए स्मार्टफोन के साथ। वो दोस्तों स्मार्टफोन हमने बहुत ज्यादा यूज किया है उस कंपनी का, ROG 5। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों ROG 6 के बारे में कि ROG 6 को दोस्तों लेने से पहले आपको एक मैं इतनी तगड़ी तगड़ी चीजें बताऊंगा कि आप अभी और कोई दोस्तों फोन बाय नहीं कर पाओगे। तो आप दोस्तों ROG 6 को दोस्तों बाय करोगे। इस फोन को दोस्तों अगर आपने बाय कर लिया ना, ये फोन कब आने वाला है, ऑलमोस्ट पूरी फोन की इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो के बीच में। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पर दोस्तों इस फोन का अगर आप डिजाइन देखोगे तो इस फोन दोस्तों जो डिजाइन है उससे उसके जैसा ही दिखता है, बट इसमें कुछ ऐसी चेंजेस की है वो भी एसूस कंपनी ने। दोस्तों एसूस ने यहां पर बैक की लुक के पीछे जो आपको देखने को दोस्तों मिलता था, यहाँ पर लाइटिंग देखने को मिलती थी जो भी दोस्तों टिमटिमाती थी लाइटिंग, तो वहां पर अब आपको बैक के लुक के बीच में दोस्तों आपको लाइटिंग पूरी जबरदस्त देखने को मिलेगी, मींस की लाइंस देखने को मिलेगी, ऐसे फोन की बैकग्राउंड में लाइंस ऐसे घूम घूम कर दोस्तों जाएगी। तो ये नया फीचर इस कंपनी ने डाला है। तो इस फोन का डिस्प्ले का दोस्तों साइज इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, यहाँ पर 6.78 इंच की यहाँ पर पूरी फुल HD प्लस एमोलेड दोस्तों डिस्प्ले मिलने वाली है। तो ये फोन की दोस्तों ये डिस्प्ले है ना सबसे ज्यादा हार्ड डिस्प्ले कही जा रही कि हार्ड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें दोस्तों आपको 18GB की रैम मिलेगी, 18GB की रैम के साथ 512GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। दोस्तों यार कि 18GB रैम के हिसाब से अगर आपने फोन को देखा ना कि 18GB रैम, 16GB रैम हमने ROG के बीच में दोस्तों चलाई, लेकिन 18GB रैम को चलाने का दोस्तों जो मजा होगा ना सबसे ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। लेकिन 20GB रैम वो इस फोन में लेकर आने वाले हैं, 18GB रैम आपने सुना लेकिन 20GB रैम लेकर आने वाले हैं, सो कि ये फोन में कुछ डिफरेंट होने वाला है। तो यहां पर दोस्तों इसके बीच में गेमिंग के लिए सबसे तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिलेगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का दोस्तों यहां पर गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो गेम के लिए इसके बीच में आपको दोस्तों अल्ट्रा HD तक का दोस्तों आपको BGM के बीच में मजा उठाने को आएगा कि ये वाला ROG का 6 का दोस्तों फोन ये जो आने वाला है इसी 2022 के बीच में, तो ये फोन का दोस्तों डिजाइन वाइज हो गया या फिर प्रोसेसर वाइज हो गया ऑलमोस्ट इसके बीच में प्रोसेसर के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा बेस्ट कही जा रही है, क्योंकि इसमें दोस्तों गेम इतनी ज्यादा स्मूथ चलती है कि और कोई ऐसा फोन नहीं जो इस फोन को दोस्तों टक्कर दे पाए सिवाय कि आईफोन को, क्योंकि आईफोन टक्कर दे सकता है, एप्पल बियोनिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। तो यहाँ पर दोस्तों इस फोन की जो बैटरी होने वाली है वो होने वाली है 7000 mAh की। तो 7000 mAh की तगड़ी दोस्तों पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी, बैटरी बैकअप होगा, अगर आप फोन को चलाते रहोगे 2 दिन तक आपका दोस्तों फोन की बैटरी निकालेगी, इस फोन का बैटरी बैकअप भी इतना ज्यादा होने वाला है। और साथ में आपको दोस्तों कूलिंग सिस्टम ऑलमोस्ट बाकी जो मटेरियल आपने देखा था जो ROG 5 के विषय वो आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस फोन की जो डिस्प्ले वाइज हो गया या प्रोसेसर वाइज हो गया तो गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा तगड़ा माने जा रहा है ये वाला दोस्तों फोन कहा जा रहा है। तो आपका दोस्तों क्या राय है कि ये वाला फोन दोस्तों अगर आपके पास आ जाएगा तो आप कौन सी गेम खेलना दोस्तों पसंद करोगे? तो इस फोन में आपको सबसे ज्यादा बेस्ट चीज कौन सी लगती है, इसकी रैम ज्यादा लगती है बढ़िया या प्रोसेसर बढ़िया लगता है या बैटरी बढ़िया लगती है, वो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करना। सो कि आपके लिए मैं अंडर फोन की वीडियो जल्द लेकर आने वाला हूँ, तो आप नीचे वो भी मुझे बता देना कितने अंडर का आपको फोन चाहिए। तो ये दोस्तों फोन लॉन्च होने वाला है 2022 के बीच में दोस्तों, ये जुलाई से पहले आपको देखने को मिलेगा ये वाला स्मार्टफोन, वो भी ROG 6। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के बीच में। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि इस फोन की दोस्तों आपको अनबॉक्सिंग जरूर दिखाएंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के बीच में, तब तक के लिए बाय बाय।